तारीख है 17 अक्टूबर 2022, समय हो गया है 01:19 AM। मैं तो इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ दिल्ली जू वालों पे। दिल्ली जू जो है उसमें एक साहब है, ही वॉज केयर टेकर ऑफ वाइट टाइगर। तो वो मेरे से कह रहे कि देखो मंडल ऐसा है, हम तो हमारे यहाँ तो यही है भाई, जो इनके खाने के लिए आता वो तेरे पास भिजवा देंगे। मैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, गाय मत भिजवाना बस। और बाकी क्या कहते हैं, बकरा हो और सड़ा गला ना हो भाई, जो इंसान खा ले, मैं तो पका के खाता हूँ। मेरे से कह रहे हैं भाई वो भी जानवर हम भी जानवर हैं, तो मेरे बच्चों की फ़ोटो वोटो देखी होगी उन्होंने, कह रहे कौन सी ब्रीड है ये। अच्छा जी, सही कह रहे हो साहब। मैंने कहा जी मैं ताजमहल होटल है मेरे को रहने के लिए, मैं अपना वो ख़रीद रहा हूँ, कई बार बोल दिया सुनाई नहीं दे रहा किसी के। कह रहे यार वहाँ क्या करेगा, यहीं शेर वेर के बगल में ही एक पिंजरा ले ले तू भी, उसमें आराम से लेटा रही होगा, मैं भी वहीं रहता हूँ। कह रहे हैं, मैं कहा जी मैं तो बहुत पहले आया था अपने बच्चों के साथ। मैं कहा जी टिकट कितने की है, टिकट बता दी। मैंने कहा टिकट खरीदनी पड़ेगी, ये बात है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ जो अंदर जो इतने जानवर रखे हैं सबने टिकट खरीदी हुई है, हैं? अच्छा नहीं खरीदी। आपको पता उनके उनके जितने भी शेर है टाइगर है उनके मन पे क्या बीतती होगी, सामने इतने सारे इंसानों को देख के, देखिए खाने के लिए इतना माल है यार फिर भी हैं। मैं तो उनको इतना भयंकर इंसर्जेंट बना दूँ ना, जहाँ गलत सुपरवाइज सुनी ना किसी की, तो वो शेर के पिंजरे से होकर के जाएगा ना आगे बंदर के पिंजरे के पास, भालू के पिंजरे तक नहीं पहुँचेगा, गायब है बंदा। क्यों, मैं वही तो कह रहा हूँ। वो जब नहीं शेर से पूछो ना, तूने टिकट लिया इंसान को देखने की। असल में चिड़ियाघर इसलिए बनाया गया था कि इन जानवरों को इंसान दिखाया जा सके, जंगल में तरस जाते हैं इंसान देखने के लिए, आ जाओ तुम्हें दिखाते हैं। समझ में आई। और एक मैं आपको एक सलाह देता हूँ, कच्चा मांस खा के ना इनके नज़दीक मत जाना पेट में, और कभी भी ना इनका जो मटीरियल होता वो मत खाना, पका के खाओगे ना कुछ नहीं कहेंगे ये। पर अगर आप इनके सामने इनके ही हिस्से का थोड़ा निकाल के खा जाओगे ना, तो कई दिन तक जो है ना ये पीछा करेंगे, ये ध्यान रखना, लिख लो आप ये बात। अगर आप एनिमल केयर टेकर है ना, तो पका हुआ खाना हमेशा, अगर आप कच्चा खाओगे तो आपको अपना दुश्मन मानेंगे। और अपने हिस्से में से अगर इन्हें कुछ दोगे खाने के लिए, समझे, तो आपको दोस्त मानेंगे। इनमें सिर्फ भोजन का मामला है और कुछ नहीं है। ये कौन सा आपसे लोरियाल या लैक्मे के लिए लड़ रहे हैं, इन्होंने कौन सा क्या कहते हैं आपका ये VLCC में जाना है फिगर बनाने के लिए। ताजमहल होटल इनके लिए नहीं है ना सर, वो हमारे जैसों के लिए है ना, हमारे जैसे जानवर रखने हैं ना, तो ताजमहल होटल में जो है ना प्रेसिडेंशियल स्वीट में ज़्यादा अच्छे लगेंगे हम। आपकी कंप्लेंट करिए आती ने। हाँ, और टाइगर भी कंप्लेंट कर रहा था, मैंने चेक करी ना विजुअल SPG, कह रहा मंडल इसको 100 बार समझा लिया है, ठीक है जब हम खाया करें ना हमारी तरफ मत देखा कर, उधर देख। समझ में आई, और हमारे सामने मत बैठ के खाया करो, ठीक बात नहीं होगी, काम का गायब वायब हो जाए, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है। अब आप लोग हंसोगे, लास्ट टाइम जब रेड हुई भागलपुर में, तो जहाँ मेरे इन लॉज रहते हैं ना नेहरू राय, उनके घर के ठीक पीछे खाली प्लॉट है,
उसी के नीचे तीन टाइगर थे और दो वाइल्ड डॉग। हालांकि तीन थे जिनमें से एक को जो है नेहरू राय, और नहीं इसी बात की धमकी देते थे मेरी वाइफ और तीनों बच्चों को। शायद एक दो बार इन्होंने उनको दिखाया भी था और धमकाया भी था कि ज़्यादा दिमाग लगाया ना तो इनको ही खिला देंगे। हालांकि मेरी वाइफ और बच्चे जो है छोटे हैं, मेरी वाइफ बेवकूफ़ है एक तरह से, तो एक बार मुझे बता तो देती। उन्होंने एक बार मेरे बेटे को जो है टाइगर को खिलाने की कोशिश करी थी। नेहरू राय का कहना ये था, कह रहा भी ये जानता नहीं हम लोग हैं कौन। मैं कहा यार तू लगता है, तूने लगता है कुछ कम किताबें पढ़ी है मेरे बारे में। समझ में आई? तो जो इन्फॉर्मेशन आई वो ऐसी है कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। उन तीनों टाइगरों का नाम पता है क्या रखा हुआ था? एक का नाम था अंश, एक का नाम था देव, एक का नाम था रवि, अंश देव रवि। इन तीन टाइगरों के नाम रखे हुए थे। और दोनों कुत्तों का नाम जो है क्या कहते हैं मेरे बच्चों के नाम पे रखा हुआ था, तीन तीसरे मेरे नाम पे रख दिया था, जिसको नेहरू राय ने और चंद्रशेखर जो कि नेहरू राय का ही रिलेटिव है, पड़ोस में ही रहता है, उसने जो है क्या कहते हैं एक पीपा एनिमल फाइट के उसमें जो है टाइगर और डॉग की फाइट कराई थी और वो डॉग मारा गया, वाइल्ड डॉग, स्वान बोलते हैं उसे हिंदी भाषा में। जी हाँ, जंगली कुत्ते को स्वान बोला जाता है। तो उसमें वो मारा गया और वो टाइगर ने उसे खा लिया था। बाद में जो है क्या कहते हैं नेहरू राय का एक बड़ा लड़का था, ठीक है, नहीं नहीं जिसको चांदनी ने मारा वो तो किडनैप करके लाया गया था, पर नेहरू राय का जो बड़ा लड़का था वो उन्हीं टाइगर्स के साथ रहता था। बाद में एक हादसे के दौरान, हादसा कह लो क्या, उसकी किस्मत ही ऐसी थी, उसको उसी टाइगर ने खा लिया था और जो बचा हुआ मांस था वो नेहरू राय छीन के ले आया था। इसी वजह से नेहरू राय की तबीयत ख़राब रहती थी। फिर उसके बाद कुछ समय बाद उसमें से एक टाइगर ने अंशदेव रवि को अपनी चपेट में ले लिया। वो सब मैन ईटर्स बन चुके थे, ये कभी भी किसी का पड़ोस से बच्चा उठा के कुछ भी उठा के टाइगर्स के आगे डाल देते थे। जी हाँ, और अंशदेव रवि, अब कहोगे आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ दिल्ली ज़ू में, आप कहोगे हितेश तुझे कैसे पता? सर यकीन मानना, टाइगर ने खुद बताई ये बात मुझे, अंश ने, ठीक है। और शेखर ने एक शेरनी रखी हुई थी जो अभी थोड़ी देर पहले रेड में निकाली गई है, उसका नाम उन्होंने प्रीति रखा हुआ था। तो इन्होंने क्या करा, हाँ मैं एनिमल्स की भाषा समझ सकता हूँ सर, सुन सकता हूँ, एनिमल्स का भी फोटो सर्वर वाइज पढ़ सकता हूँ मैं, तभी तो मैंने कहा वर्ल्ड में कितने भी एनिमल कहीं से भी अगर क्या कहते हैं चोरी किए गए हैं, छुपा के रखे गए हैं, आप लिस्ट पकड़ा दो, ढूंढ के जान लाने की जिम्मेदारी मेरी है। दुबई पुलिस को बोला हाई अलर्ट पर रहेंगे, मैं अभी कुछ फोटोग्राफ भेजूंगा, अंदाजन 200 या 250 टाइगर्स जो है रिकवर होंगे, ठीक है। दुबई पुलिस को बोला हाई अलर्ट पर रहेंगे, हाँ, और इंटरपोल को। तो बात हो रही थी, मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं तब आपको समझ आएगा। तो जो टाइगर था उसने जो है ये अंशदेव रवि को अपनी चपेट में ले लिया। अंशदेव रवि वहीं बैठा था, उसने पिंजरे में से जो है ना पंजा बाहर निकाल करके अंशदेव रवि को खींच लिया। नहीं नहीं वो खुद ही बता रहा था, ठीक है, हाँ। तो उसके बाद वो जो है क्या कहते हैं उस अंशदेव रवि को पिंजरे के अंदर खींच के ले जाने में कामयाब हुआ और अंशदेव रवि को जो है क्या कहते हैं उस टाइगर ने मारा। हालांकि जो पिपा वाली थी वो भी सर्वर वॉइस सेकंड वॉइस ऑडियो थी और बाद में जो उसका रिमेन जो कुछ बचा हुआ था वो इन लोगों ने खाया शायद। फिर एक हादसे के दौरान जो है क्या कहते हैं नेहरू राय भी चपेट में आ गया, शायद ये हाल ही फिलहाल की बात है। और उस हादसे में जो है नेहरू राय को भी जो है इन्हीं टाइगर्स ने चपेट में ले लिया। फिर डर के मारे जो है रेनू राय नहीं जाती थी, फिर शायद मेरे बेटे को बुलाया गया कि वो वहाँ रहेगा, इसलिए मेरा बेटा कुछ ज़्यादा चौड़ा होता था या वो बेवकूफ है, उसे समझ नहीं थी, ठीक है। ये एनिमल कहता है मैंने नेहरू राय के बेटे को पता कैसे चपेट में लिया, कहता मंडल बड़ा आसान काम था, कह रहा बस एक दिन जो है ना मैं थोड़ा सॉफ्ट हो गया और वो मेरे नज़दीक आने लग गया,
हंसदेव रवि, करमा चाट चाट के जो है ना उसको प्यार में रखता था, और करा जैसे ही कह कहते नज़दीक आया ना और थोड़ा सा सॉफ्ट हो, मैंने करा मैंने वहीं पकड़ लिया उसको, अब कहाँ जाएगा देख लो। मानो या ना, ये सीसीटीवी फुटेज होगी इनके पास, हाँ सीसीटीवी लगे हुए वहाँ पे, सीसीटीवी में पूरा वाक्य है। बाद में एक बार जो है उससे पहले एक हादसे, मतलब एक वाक्य में, हादसा कह रहा हूँ वाक्य में, प्रीति भी वहाँ मौजूद थी, ने उसका उसका वहाँ पर जाने का रास्ता शायद पता नहीं इनके घर से ही था, शायद घर से ही था, और हाँ इन पिछले वाले के रूम से ही था, वहीं से था। आपने दूसरी तरफ से खोला, चलो कोई बात नहीं। तो शेखर ने, मैंने इन्फॉर्मेशन दी है सर ट्विटर पे, मैं काम करता हूँ ट्विटर हैंडल @ और वो वाइल्ड डॉग, दो वाइल्ड डॉग भी वहीं पे थे। पर बाद में जो है क्या कहते हैं, मतलब उससे पहले के एक वाक्य में नेहरू राय, प्रीति और बच्चे वहीं पे खड़े थे, ध्रुव वगैरह दूर से देख रहे थे, तो शौर्य थोड़ा नज़दीक था, नेहरू राय ने धक्का मार के जो है ना शौर्य को शेर के नज़दीक धकेलने की कोशिश करी थी। ठीक है जी, मैं एनिमल्स की सारी भाषा समझ सकता हूँ सर, हालांकि कुछ बातें ऐसी है जो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, समय आने पर सब पता लग जाएगा। फिर चंद्रशेखर के पास जो है ये जो टाइग्रेस थी, ठीक है, ये टाइग्रेस जो है ये शेखर ने अपना जो कि नेहरू राय का मकान विसरी स्थान पे उसके ठीक बगल वाले मकान में पिछले कमरे के बेसमेंट में रखी थी। इसी बात को लेकर के जो है शेखर और बाकी लोग चौड़े होते थे, हालांकि मिलता मिलना मिलना तो कुछ होता नहीं है, पैसा वूसा आता नहीं है, मार पड़ती है तबीयत से। ठीक है, हमने भी दुनिया देखी है सर, कुछ नहीं मिलता है। बाद में जो है वो लोग आते हैं नकली पुलिस बन के, टाइगर लेके चले आते हैं, मारते अलग हैं इनको, मैं जानता हूँ ना। तो इस प्रकार से जो है प्रीति का घर परिवार जो है उसका सर्वनाश हुआ। हाँ उसका घर परिवार का, मेरा घर परिवार तो प्रीति है, तीन बच्चे, पांच बच्चे हैं मेरे। उसके बाद नेहरू राय का भतीजा शंकर राय, भतीजा था या भाई था, जो कि नेहरू राय के मकान के ठीक बगल वाले मकान में रहता था, उसके पास 10 रशियन वाइल्ड डॉग थे। वो 10 रशियन वाइल्ड डॉग उसने अपने 12 नंबर गुमटी की रोड के पास, जो उसका एक मकान था, उसके बेसमेंट में रखे हुए थे नीचे। समझ में आई? और जी हाँ, वो सारे के सारे जो है क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मैन ईटर्स थे। खरीदता कौन है सर, बहुत खतरनाक हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो तो खिलाएंगे कहाँ से, फिर किसी से झगड़ा कर लिया, किराएदार रखे अचानक, किराएदार का बच्चा फेंक दिया, समझ में आई? तो उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हैं बहुत खतरनाक, वो काफ़ी बड़े हैं, पुलिस और प्रशासन वहाँ पहुँचा हुआ है। फिर बिसरी स्थान सर, मैंने भेजा मैसेज सर इंटरपोल, समझ में आई? बिसरी स्थान के बगल में जो गली अंदर जाती है, उसी गली में अंदर घुसते ही बिसरी स्थान से ठीक लगे हुए मकान में, जी हाँ बिसरी स्थान के ठीक लगे हुए मकान में एक महिला रह रही थी, उसके पास बेसमेंट में 2 टाइगर थे। ठीक है जी, फिर 9 टाइगर और 2 वाइल्ड डॉग ऐसे कुछ। अजीत शर्मा का पेट्रोल पंप जो कचहरी चौक पे है, कचहरी चौक जो है उसके बगल में जो नहीं है पेट्रोल पंप, उसके होटल के साथ, उसी के बेसमेंट में है। और CMS की टीचर नंदनी सिंह, जो कि मेरी वाइफ की फ्रेंड भी थी, मेरी वाइफ भी CMS में पढ़ाती थी, उसके पास 2 टाइगर हैं। जो गंगा किनारे काली घाट है ना, काली घाट पे दीप प्रवाह हॉल के पीछे एकदम आखिरी में चले जाओ, उसके घर के ठीक नीचे कमरा बना हुआ, उसमें उसने 2 टाइगर रखे हुए। उसी बात को लेकर के ना कुछ ज़्यादा चौड़ी हो रही थी ये। देखो मैडम, अब मैं तुम्हारे तुम सबकी ना वो मात चोदने वाला हूँ ना, चुपचाप पुलिस को फ़ोन करके सारे एनिमल सरेंडर कर दो, ने बहन का लौड़ा, इतनी मार पड़ने वाली है ना नंदनी तेरे को, और तुझे यहीं लेके आएंगे, इनको माँ की लोड़ियों को उठा के मेरे मेरे पास ही लेके आ,
बहन की लोड़ी तेरा नंगी करके इतनी मार चो दूंगा ना, तुझे तो जानती नहीं है मैं मारता कितना हूं। ठीक है, बेल्ट ही बेल्ट पड़ने वाली है तुम्हें। किस बात की बदमाशी है, किस बात की धौंस है तेरी? बहन की लोड़ी देख कैसी तुम्हारी मार चोदता हूं मैं सबकी। उठा गला सीमा को भी, ले जा इसको साइड में पहन के लड़ो, खिला दियो टाइगर्स को ही। पूरे रास्ते लेके जाएगा तो खिलाएगा क्या, पागल हो गया है क्या? डाल इन पहन के लड़ो को एक डब्बे में अलग से, लेके जा सबको। मैंने इसको एक बार हिंट दिया था अपनी वाइफ को, तो कोई बात है कुछ भी है तुम हल्का हिंट तो दे मेरे को। माँ के लड़ो को घर पे जाकर मारूंगा भोसड़ी वालों को। यहाँ मैं इतना दिमाग नहीं लगाता बिल्कुल भी। वो एकदम सही बात करते हैं, मेरी बात पूरी समझते हैं, हिंदी समझते हैं क्यों नहीं समझते हैं? फिर हाँ, वो उसने बताया पूरा खेल मेरे को। फिर उसने मेरे को बोला, कह रहा गूगल कर, कह रहा गूगल पे फोटोग्राफ दिखेगी तेरे को। फिर जो टाइगर नंदिनी के पास था उसकी भी फोटोग्राफ जो उसी ने बताई। वो पता क्या कह रहा है मेरे को, कह रहा मंडल बहन के लड़े जो बड़े दिन से मैं देख रहा हूँ ये नज़दीक आएगा कैसे। कह रहा बस दो तीन दिन तक जो है ना, दो एक दिन बस मैं इसको चाटता रहा एक दो बार प्यार दिखाया, जैसे ही नज़दीक आया ना साफ है। कह रहा उसी दिन ले लिया मैंने इसको, इसके बड़े बेटे को भी। अब वो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे, देंगे किसको, लेके कौन जाएगा? मार पड़ती है तभी इससे। अब वो पिप्पे विप्पे के चक्कर में शादी ब्याह में गायब कर दे। क्यों मुकेश भैया, 2 लाख रुपए लिए थे मेरी शादी में तो वो टाइगर की धमकी दी थी। मेरी शादी के समय जो है मुझे तो खैर पता नहीं था। मुकेश को ले आकर टाइगर दिखा दिए, ठीक है, तब से जो है 2 लाख रुपए महीना मुकेश ने मांग लिया। मतलब ये सब जो है भाई मुकेश ऐसा है, तेरा यार जेल जाना तय है, अब तो पूरी जिंदगी जेल में काटेगा बात छुपाने की वजह से। अगर बात बता देते ना तो मैं जो है ना इनसे मैं निपट सकता था। तूने मौका देख करके जो मेरी वाइफ के साथ जो दिमाग लगाया ना, अब तो जेल जाएगा। ऑल फ्रंट फुल फोर्स है, मुकेश को ढूंढो, अम्मा को ढूंढो, इसके दोनों बच्चे ढूंढो, इसकी बीवी ढूंढो, और उम्र कैद है तुझे। सैंडम तो त्याड़, पैसे रख दियो चुपचाप, आराम से ये खूब मस्ती कर रहे। मुकेश को दिखाया गया, मुकेश कहता पुलिस बुलाऊं, तो कहता यार ये 2 लाख रुपए रखे हैं ले जा। 2 लाख रुपए लिए और तब से वो 2 लाख रुपए का जो है इनमें बातचीत चल रही है। बहुत बड़े तुम डीलर हो क्या, क्या हो तुम? उसी बात की धमकी जो है प्रीति को दी जा रही थी। क्यों अम्मा, कैलाश मंडल के पास 8 टाइगर है, हम तो भेज देंगे इन्फॉर्मेशन। रेमडी में कर देंगे रेड, कौन सी बड़ी बात है, मारेंगे बहुत बेटा तुम्हें, हम तो खिला देंगे तुम्हें ही। मैं तो ऐसे ही हूँ सर, देखो डेली जू में बात करो सर, मैं तो ऐसा ही हूँ।
मैं तो इन पोचर्स को पकड़ू, उठा के लेके जाऊँ, जब तक वाइल्ड में लेके जाना है ना, इन्हीं को खिला दूंगा मैं तो, मारूंगा थोड़ी, दे दे इन्हीं को। और कौन कौन शामिल था भाई? नहीं जेल तो तू जाएगा मुकेश, नहीं नहीं जेल, तुझे तो तुझे जेल में रखूंगा, ता उम्र कैद है तुझे, बताया क्यों नहीं मुझे? नहीं, मुझे नहीं पता, ना ही मैं सुनता था उस समय, सब जानते हो। इसी बात की धमकी जो है क्या कहते हैं अम्मा को दी जा रही, अम्मा दी रही दे रही थी प्रीति को कि उसके उसके बाप ने टाइगर पाले हैं, उसका बाप चाहे अपनी माँ चुदवा तो हमें क्या मतलब है। चल मुकेश ऐसा है, तेरी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया जाता है। मैं क्या करूं फिर? मैं क्या कह रहा हूं, नेहरू राय चाहे अपनी माँ चुदवा तो हमें क्या लेना देना, मेरी शादी हो गई, मेरा घर परिवार अलग है, क्यों? अरे भाई जानवरों से प्यार है तो पोस्टर मिलते हैं बाजार में, खरीद लो, लगा लो घर में, क्यों? बेटा मारेंगे मारेंगे बहुत हम तुम सबको। मुकेश बस ये सोच ले तेरी रिमांड नहीं ले रहा हूं मैं, नहीं तुझे पता नहीं है, बस ये समझ ले बचपन में साथ से पला बड़ा है, साथ ही पला बड़ा है, इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूं तुझे, वरना तू जानता नहीं है रिमांड कितनी खतरनाक लेते हैं। मूड मूड थोड़ा सा शांत है इसलिए कह रहा हूं, जा उठाओ बस इसको कहीं से भी, मैं नहीं जानता। नहीं तो बेटा ऐसा है, जिस जिसने मुकेश को बचाने की कोशिश करी ना, उसी पे भी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट लग जाएगा, वायलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट। तुम्हारी माँ के 100 यार भी होंगे ना बहन के लोड़ो, वो भी नहीं बचा पाएंगे, तुम जानते नहीं हो भी हमारे बारे में। डेली जू आप पे किसी भी समय जो है ना वायलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट लग जाएगा। कुछ कहा मैंने? वेयर इज माई मनी? चूतिया समझ रहे हो बहन के लौड़ो मेरे को? उठाए इस भोसड़ी वाले को, हाँ ये मूछों वाला जो है यही माँ का लौड़ा गद्दार है, बहन का लौड़ा भोसड़ी का। अरे वो हाथी का बच्चा बाहर स्मगल करवाने में इसी माँ के लौड़े ने मदद करी थी। नहीं नहीं एक ही है ये बहन का लौड़ा, मोटा तगड़ा सा, हाइट थोड़ी इसकी कम है, मूछ है ऐसी रखता है ये, अरे गनस्लिंगर की बताऊं तुझे अभी है? उठा इस बहन के लौड़े को भोसड़ी वालों को, वाइट टाइगर बेचने का चक्कर है था। मारना मत इसे, ले गया इसको। चलो ये परमानंद भी शामिल था, पैकोले परमानंद, अरे सुषमा का लड़का जो है, चल बे चल। हाँ हाँ
हाँ वो जो हाथी का बच्चा नहीं था जो, नहीं, अब ज्यादा दिमाग लगा रहा क्या बहन के लंट तू है? तो दुबई में कौन सा नेहरू राय रह रहा है जो मुझे पता है? अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं भेजूंगा दुबई पुलिस को, दुबई में ही, हाँ तो तू बोल देगा कि नेहरू राय मेरा रिश्तेदार है इसलिए मुझे पता था। दुबई में कैसे पता? अलीजा शहर मेरी रिश्तेदार है तो मुझे कैसे पता कि अलीजा शहर के घर के नीचे जो है 800 फुट नीचे जो है क्या कहते हैं दो सफ़ेद हाथी की खाल है, मुझे कैसे पता? तभी तो अलीजा शहर की गांठ सुझा दी हमने, ले गया भाई अलीजा शहर को भी बांध के डाल दे वहीं पे जहाँ मरियम नवाज शरीफ रखी है। चल उठा इसको भी बहन की लोड़ी, उठा सबको, बहन की लंडी ज़्यादा दिमाग लगा रही है। कोई हिरन पाल रहा है कोई घरों के नीचे, कोई बतख पाल रहा है, कोई कुत्ता पाल रहा है, चूतिया समझ रहे हैं बहन के लंडी है। चल चल मैं नहीं जानता, हाँ तब से ब्लैकमेल कर रहा है प्रीति को और मेरे बच्चों को, मुकेश तब से ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ ब्लैकमेलिंग, ना ना जेल भेज इसे, हाँ दे दियो एक तरफ। चल अच्छा बच्चा बन के रह लियो ना, मारेंगे बहुत, तू जानता नहीं है। हाँ तब से ब्लैकमेल कर रहे हैं, वैसे सीज मत करियो, ताला वाला लगा प्रॉपर्टी ले। चल 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 घर चेक करूँगा इसका पूरा मैं, हाँ पूरा घर चेक करूँगा इसका मैं भी तो देखूँगा क्या है क्या फिल्म। कैलाश मंडल के यहाँ रेड भेज बे, जयकांत मंडल के घर के नीचे तो हाथी हैं और कैलाश मंडल के घर के नीचे कितने हैं 10 शेर हैं, 28-29 साल के हैं, 28-29 साल के हैं। ठीक है भेज। हाँ बे क्या कह रहा था बे तू? नहीं है कुछ बहन के लौड़ों की गांड में कुछ ज़्यादा बड़ा सुलेमानी कीड़ा है। नहीं कह रहे नेहरू राय मेरा रिश्तेदार है इसलिए मुझे पता। तो बहन के लौड़ा जब जो दुबई में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एक लड़की की फ़ोटो है मेरे पास, 200 टाइगर है उसके पास, 200 टाइगर दुबई में, 200। तो क्या करेगा? एक लड़की को अभी मैंने फोन करके नहीं, उसको मैंने बोला हॉटलाइन पे, कह रही उसके पास टाइगर्स हैं दो। मैं कहा दुबई पुलिस को फोन कर दे, कहती मैं नहीं करती। पहले तो कह रही अच्छा कर देती हूँ, फिर कह रही मैं नहीं करती, बता क्या कर लेगा। मैं कहा तेरे ऐसी बहन की लोड़ी, चिकनी चमेली मोटी गांड बहन की लोड़ी मेरी जेल में नहीं अच्छी लगेगी तो कहाँ लगेगी? माँ की लोड़ी हो तुम, कहीं हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, उठा के तुम्हें यहीं लेके आना है मैंने। डाल दे बांध के बहन की लोड़ियों को एक एक को, तुम्हारी मर्जी है। मारूंगा बहुत अलीजा से, तू जानती नहीं है अभी मेरे बारे में। उठा इस बहन की लोड़ी को घर से, मेरे मैं खत्म शादी पादी लोड़ा लसन, इतना टाइम नहीं है। उठा पूर्वा सिंह को भी, चल 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 चल, ये बहन की लोड़ी सब वही इंसर्जेंट सही है, हाँ एनिमल ट्रेडर्स हैं। पांडा नहीं नहीं जीएमआर पे जो है चीन से पांडा स्मगल किया गया, क्या कहते हैं कॉन्गो से जो है तुम्हारा सिल्वर बैक स्मगल किया गया, गुतारस के पास जो है वाइट टाइगर्स हैं या टाइगर्स हैं, मुझे कैसे बता? मेरे रिश्तेदार लग रहे हैं बहन के लंडे, मुझे कैसे बता फिर?
हाँ रिकवर हो गया, रिकवर कर। हाँ वही कह रहा हितेश को कैसे पता। कह रहा हम भी ये विद्या सीखना चाहते हैं। बहन के लंडो तुम ये विद्या सीखोगे? अच्छा क्यों नहीं सीखी अब तक? अब तक क्यों नहीं सीखी? आऊंगा यार आज क्या डाऊंगा। नहीं यार वो बालों में तेल लगा करके मालिश करी थी मैंने। हाँ अभी चंदू के पास भी कुछ है, चांदनी नहीं है उसके घर के नीचे टाइगर है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।